मैंने इस चीज को सही ढंग से भारत सरकार ने रखा नहीं। जो रखना चाहिए था कि जो बैक वेंचर है या जो बजट बनता है देश में, अंदाज पर बजट बनता है, तो सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो इसको हम लोग देखेंगे लीगल क्या उपाय हो सकता है। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है, लोगों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के सरकार से भी अपील की जा रही है, सभी दलों से भी अपील की जा रही है कि एकजुट हो जाए, एक साथ हो जाए। हाँ तो सब इकट्ठा रहेंगे। तो ये क्या राष्ट्रव्यापी अब इस चीज को आप लोग लेके? हाँ हाँ, राष्ट्रव्यापी मामला है जी। ठीक है, 2010 में जो जिस तरीके से आपने शुरुआत किया था जातीय जनगणना को लेके, आप इस बार भी आरजेडी फ्रंट पे आके मुलाकात करने? सर एक अंतिम सवाल ये है कि नीतीश कुमार को आरजेडी के लोग निमंत्रण दे रहे हैं कि अब छोड़िए, आइए और विपक्ष में एक चेहरा बनिए। अब हमको नहीं मालूम है क्या बोल रहे हैं, उनका चेहरा सब जानता है नीतीश कुमार का। अब जरूरत नहीं है विपक्ष को, आरजेडी का हेड यहाँ खड़ा है आपके सामने। लालू जी आज हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई है। हेमंत जो है हम लोग के छोटा भाई की तरह है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे आरजेडी वहाँ सम्मिलित है। मंत्री जी मंत्री जी आइए साथ आइए। देखिए हमारा मंत्री है पार्टी वहाँ पर, ज्यादा भोगता खोल ना रहे मुँह, बोलो ना, बोलना पड़ेगा, खोलो। हम स्वस्थ हैं और आए हैं मिलने देखने के लिए। तो अब प्रसन्नता हुई कि दिल्ली प्रवास के दौरान ये सब लोगों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। तो क्या आपने कोई मार्गदर्शन भी किया है? कल अमित शाह जी से मुलाकात है, गृह मंत्री से, क्या मार्गदर्शन किया आपने किसी तरह का? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।